अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स योर एसएसटी लेक्चर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर यूनिट नंबर 7 एंड द पेज नंबर इज 72। ओके क्लास, नाउ ओपन अप योर पेज नंबर 72 एंड द टॉपिक इज हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ लॉज। अ लॉ बिफोर इट इज पास इज कॉल्ड अ बिल। अ बिल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स अ लॉ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स हर कंट्री के कुछ अलग लॉज होते हैं। लॉ जब तक पास नहीं होता वो बिल कहलाता है। मीन्स कि एक बिल कुछ स्टेजेस से गुजरता है फिर लॉ बनता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मीन्स नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव होता है तभी वो लॉ कहलाता है, तभी वो बिल जो होता है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, स्टेजेस थ्रू विच अ बिल बिकम्स अ लॉ। इन स्टेजेस से गुजर कर जब बिल गुजर जाता है सक्सेसफुली, सब स्टेजेस से अप्रूव होता चला जाता है तो सक्सेसफुली लॉ बन जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, अ मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स अ बिल। कोई भी मिनिस्ट्री एक बिल तैयार करती है। द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल असेंबली और फिर नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करती है। नंबर थ्री, इट इज़ रिव्यूड बाय रूल्स कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। फिर इससे रूल्स कमेटी रिव्यू करती है नेशनल असेंबली की ताकि इसे चेक किया जा सके कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड है या नहीं। नंबर फोर, द बिल इज़ देन एग्जामिन्ड बाय सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। देन ये बिल जब स्टेज थ्री से गुजर जाता है सक्सेसफुली तो सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की इसे डीपली एग्जामिन करती है। नंबर फाइव, द बिल इज डिस्कस एंड डिबेटेड अपॉन बाय द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। फिर बिल नेशनल असेंबली में डिस्कस होता है और इस पर डिबेट होती है और सब मेंबर्स इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। नंबर सिक्स, द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वोट ऑन द बिल एंड इफ द मेजोरिटी पासिस इट इट इज सेंड टू द सेनेट। सब मेंबर्स इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इस पर वोट देते हैं और अगर मेजोरिटी पास करे तो सेनेट में सेंड कर दिया जाता है। नंबर सेवन, इन द सेनेट इट इज़ एग्जामिन्ड बाय सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी। फिर सेनेट में सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी भी डीपली एग्जामिन करती है। नंबर एट, इट इज़ देन डिस्कस्ड एंड डिबेटेड अपॉन बाय द मेंबर्स ऑफ सेनेट। फिर सेनेट के मेंबर्स भी इस पर डिबेट करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। नंबर नाइन, द मेंबर्स ऑफ सेनेट वोट ऑन द बिल इफ द मेजोरिटी पासिस देन इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। देन सेनेट के मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, अगर मेजोरिटी पास करे तो प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है। नंबर टेन, द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक अ डिसीजन इफ ही डिसाइड्स इन फेवर ऑफ द बिल ही साइंस इट। फिर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इसे पास करे या नहीं। अगर वो पास करता है तो साइन कर देता है। नंबर 11, द बिल बिकम्स अ लॉ और फिर बिल लॉ बन जाता है। इफ़ द प्रेसिडेंट रिजेक्ट द बिल एंड वोट्स इट, इट इज़ सेंड बैक टू द पार्लियामेंट। इफ़ 2/3 ऑफ both houses of the parliament vote for it, it still becomes a law. अगर in case president reject करता है bill को तो ये bill parliament के दोनों houses यानी कि national assembly और senate में दोबारा भेजा जाता है और अगर 2/3 means half से भी ज़्यादा members इसके हक में वोट देते हैं तो ये फिर law बन जाता है। A bill may begin in either the senate or national assembly. एक बिल सेनेट या नेशनल असेंबली दोनों में से किसी भी हाउस में पहले स्टार्ट या प्रेजेंट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली में ही प्रेजेंट हो पहले या वहीं से स्टार्ट हो पहले। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिटन वर्क, इट्स क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर लॉज मेड। लॉज कैसे बनते हैं, कानून किस तरह से बनते हैं। आंसर, लॉ बिफोर इट इज़ पास्ड इज़ कॉल्ड अ बिल। A bill goes through a number of stages before it becomes a law approved by both houses of parliament.
एक लॉ जब तक पास नहीं होता तब तक वो बिल होता है। एक बिल जो है वो नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजर कर लॉ बनता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होता है। नाउ योर होमवर्क, डू रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 एंड लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर नोटबुक्स वेरी नीटली एंड टाइडली थ्रू प्रॉपर फॉर्मेट। थैंक्स।